अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करेंगे MCM 101 मैस कम्युनिकेशन का लेसन नंबर 2। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द डिले। आई एडमिट कि मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रमज़ान रूटीन, के काफ़ी हेक्टिक हो जाता है और आपको पता है कि जो सुस्ती हो जाती है उसमें आपसे कोई काम हो नहीं पाता है, तो उसकी वजह से ये है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन हम इंशाल्लाह क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रिपेयर करके आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो उसके लिए माजरत। और हम इसको कंपनसेट ऐसे करेंगे कि हम इस बड़े मज़े से लेसन को मज़े से समझेंगे और ये हमें याद हो जाएगा, ये हमें बिल्कुल हमारी फिंगर टिप्स पर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेसन नंबर 2 है अर्ली मास कम्युनिकेशन एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं मास कॉम की। अच्छा जी, हम जब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन हम जानते हैं कि दो लोगों के दरमियान भी कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। आप कभी कभी आप अपने आप से भी कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपने आप से भी बात कर सकते हो, ठीक है, वो होती है कम्युनिकेशन। लेकिन जब कुछ लोग किसी एक मीडियम को यूज़ करते हुए, वो मीडियम नॉट ऑलवेज टेक्नोलॉजी, पहले बहुत सारे और भी मीडियम्स हुआ करते थे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मीडियम टेक्नोलॉजी ही होगी। कोई भी ऐसा मीडियम जिसको यूज़ करते हुए कुछ लोग, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं विद अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस या मैसेज आप कह सकते हैं, तो उसको मास कॉम कहा जाता है। मतलब ये कि मैसेज के साथ कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है और ये डेफिनेशन जाहिर है आपकी बेस है, आपसे पूछी जा सकती है, इसमें कोई भी चीज़ को ब्लैंक करके आपको ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। सेंडिंग मैसेज टू स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, टू योर सेल्फ, टू योर कज़न और टू लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, ठीक है। इस तरह इसका क्वेश्चन बन सकता है। सेंडिंग मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस यूजिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का टर्म यूज़ किया गया है, लेकिन असल में ये टेक्नोलॉजी की फॉर्म नहीं है, ठीक है। मैस कॉम आवज जो है वो ये बन गई है, आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की टर्म पर। आप जब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि मैस कॉम के लिए आपको हमेशा मैस कम्युनिकेशन, मैं कॉम यूज़ कर रही हूँ, मैस कम्युनिकेशन के लिए आपको हमेशा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर चूँकि ये डेफिनेशन आपके कोर्स में है, तो आपको इसको डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन को विद टेक्नोलॉजी मीडियम ही याद करना होगा। अच्छा जी, चलते हैं हम, हमारे पास क्या तरीके रहे हैं जी मास कम्युनिकेशन करने के, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम एक इसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं वन बाय वन लाइन चीज़ रीड नहीं करने वाली हूँ, आपको बस कॉन्सेप्ट दूंगी और इंशाल्लाह आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, आई होप। अच्छा जी, सबसे पहला है लेटर और लीफलेट्स। अब आप सोचेंगे लीफलेट्स भी बेसिकली लेटर्स ही होते हैं, ठीक है, इसीलिए स्लैश यूज़ किया गया है। अच्छा जी, अब आप सोचेंगे कि जी लेटर, लेटर तो मैंने अपने रिश्तेदार को लिख लिया, अपने मामू चाचू को लिख लिया, तो लेटर से मैंने मैसेज से कैसे कम्युनिकेट किया। अच्छा जी, ये बात उन लेटर्स की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड अप्रोच की, ठीक है। आप ने देखा होगा, अगर आपने वो कार्टून्स देखे हैं, आई एम गिविंग अ गर्लिश, ठीक है, सेक्चुअली थोड़ी बाइस्ड हो रही हूँ और आपको मैं थोड़ी गर्लिश एग्जांपल दे रही हूँ, सिंड्रेला, ठीक है, लड़कियों ने तो मोस्टली देखा होगा। उसमें जब बादशाह कहता था कि जी हम एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं और सारी बंदियाँ आएँ, हम जो है वो अपने शहजादे के लिए, हम उसके लिए एक वाइफ ढूँढेंगे, एक लड़की ढूँढेंगे, तो ये सारी लड़कियाँ ऐसे ऐसे तैयार हो गया, वो क्या मीडियम यूज़ करते थे, वो एक ऐसे रोल हुआ हुआ लेटर देते थे एक बंदे को और वो घोड़े पर लेकर जाता था और वो लोगों के दरमियान जाकर, जहाँ भीड़ में, जहाँ कोई बाजार होता था, वहाँ जाकर उस लेटर को पढ़कर सुनाता था और वो सारे लोगों तक उसका एक लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाता था, उस बादशाह का या उस जो हुकूमत होती थी उसका कम्युनिकेशन हो जाता था पूरी ऑडियंस या वहाँ के लोगों के साथ,
ठीक है, ये तो थोड़ी कार्टूनिश एग्जांपल हो गई। हमें ये भी मालूम है कि वक्त जाया करते थे, ठीक है, अम्बिया कराम के ज़माने में जब किसी को इस्लाम की तरफ बुलाना होता था, जब कोई भी ऐसे मामलात होते थे तो वक्त भेजे जाते थे, कुछ लोगों का ग्रुप जाता था, एक हुक्मरान का पैगाम लिए दूसरे हुक्मरान, दूसरी हुकूमत, दूसरी राया तक, ठीक है, वो उस लेटर को रोल करते थे और वो ले जाते थे, या तो उसे पढ़कर सुनाया जाता था, या वो राजा महाराजा या वहाँ पे जो भी उनका मुलाजिम जिसको का ये काम होता था कि वो पढ़े उस लेटर को, वो उस लेटर को पढ़ता था, और ये पूरी राया में या पूरी हुकूमत में सबको पता लग जाता था कि फलां जगह से उस आप कह सकते हैं कि कबीले से, या कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो जो जो भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता था, या उस मुल्क से, ये सब आया था वफ्त, और उसमें जो है वो ये बातें बताई गई हैं या उसमें ये डिमांड आई हैं, वो पूरी वहाँ के लोगों तक फैल जाती थी। मतलब मासेस मासेस से कम्युनिकेट कर लिया जाता था, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस से कम्युनिकेट कर दिया जाता था। ये बात हो रही है उन लेटर्स की, ठीक है, उन लेटर्स, उन लीफलेट्स की। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं बुक्स। सॉरी, मैंने थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम अच्छा, सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है जी, बुक्स हैं। पहले तो बुक्स का कॉन्सेप्ट ही बड़ा और था, ठीक है। किसी को कोई भी बात करनी होती थी ना, कोई भी मैटर पर कुछ थोड़ा सा भी लिखना होता था, वो क्या करता था, किताब लिख देता था, ठीक है। असल में बुक्स राइटिंग का ओरिजिन स्टार्ट हुआ फिलोसफीज से, रिलीजन से, सोशल लाइफ से, हेल्थ पे लिखी जाने वाली, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स पे लिखी जाती थी किताबें, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि छोटी मोटे मसाइल पर किताबें लिख दी जाने लगी। मतलब ये कि किसी ने थोड़ा सा काम किया, थोड़ी सी रिसर्च की, उसने उसको किताब की शक्ल में लिख दिया, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था लोगों से कम्युनिकेट करने का। अब जैसे दिन की खबरें हैं आकर पढ़कर सुना दी, कोई और मामला हुआ, तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो उन पर किताब की एक सूरत लिख दी जाती थी, ठीक है, किताब की सूरत में उन्हें लिख दिया जाता था। दूसरी मज़े की बात यह कि किताबों को हाथों से लिखा जाता था। जिस आदमी ने लिखना है उसने हैंड रिटन कॉपीज, ठीक है, हैंड रिटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ तक के बाइबल हो गई, कुरान मजीद हो गया, इन तक की आपको पता है चमड़े पर लिखा जाता था, खजूर के पत्तों से लिखा जाता था, पत्थरों पर लिखा जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हैंड रिटन, तब तो कागज़ भी नहीं था ना, लेकिन जब कागज़ और कलम आ गए तब भी हाथों से। आप ये सोचिए कि आज हर घर में कुरान मौजूद है, और पाकिस्तान की आबादी कितनी है, और एक नहीं कई कुरान मौजूद होते हैं घर में, सुपारे मौजूद होते हैं। तो वो अगर हैंड रिटन होते और किसी ने कितनी मेहनत से उनको लिखा होता, और कितना वक्त उन पर लगा होता, और कितनी मेहनत होती, और ये मुमकिन ही ना होता कि हर घर में कुरान मौजूद होता और हर घर में दो या तीन कुरान मौजूद होते। तो यही बात है कि लिखा जाता था, जो भी उस टाइम पे कारी कह लो, या पादरी कह लो, या पंडित कह लो, जो भी रिलीजन के उनके बंदे समझे जाते थे, उनका यही काम होता था कि वो लोगों से हैंड रिटन, वो जो भी उनके ऐसे वाकियात होते थे, जो भी उनकी आयात होती थी, वो लिखवाया करते थे, हैंड रिटन लिखवाते थे। ठीक हो गया जी, अब हम चलते हैं प्रिंटिंग के आगाज़ की तरफ। अच्छा, पीछे जो हमने बातें पढ़ी हैं वो ऐसे नॉलेज के लिए, ठीक है। प्रिंटिंग का जो काम आ जाता है ना, उसमें आपको ये चीज़ें ज़रा याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। मास कम्युनिकेशन में मेजर ब्रेक थ्रू मिला प्रिंटिंग प्रेस के इजाद होने से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ में नज़र आ रहा होगा कि प्रिंटिंग प्रेस इज अ मैकेनिकल डिवाइस फॉर प्रिंटिंग मैनी कॉपीज ऑफ अ टेक्स्ट पेपर, ठीक है। आई डोंट नो वाई आई डोंट हाईलाइटेड इट, लेकिन आपको ये एज अ डेफिनेशन के तौर पे याद रखना होगा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो क्या होता है, ठीक है। इसे आपको याद करना होगा कि ऐसी डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, जो कि काफ़ी कॉपीज किसी एक पेपर की निकालती है, ठीक है। इसको पहले, सबसे पहले किधर इन्वेंट किया गया है, चाइना में इन 1041, ठीक है, ये लिखा हुआ है।
was as we know it today, was invented in the West by a German gold smith, John Gutenberg. ठीक है जी, in 1450s सबसे पहले चाइना में प्रिंटिंग का आगाज हुआ था, ठीक है, और उसके बाद जो आज हमारे पास शक्ल मौजूद है, चाइना में जो इजाद हुआ, जो 1041 में हुआ, वो ज़रा पुरानी कदीम शक्ल में था, ब्लॉक प्रिंटिंग की फॉर्म में, उसे हम अभी पढ़ेंगे। और उसके बाद जो जिनको बेसिकली समझा जाता है, जिनका ज़्यादा नाम इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी रिसर्च को ज़्यादा मायने दिए जाते हैं, वो हैं जर्मन गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ उनके नाम का हिस्सा नहीं है, गोल्ड स्मिथ सुनार, सुनार को बोलते हैं। जॉन गुटनबर्ग इनका नाम है। 1450s अगर आप मैथ्स कॉम पढ़े हैं, आप इनका नाम नहीं भूल सकते, कीप दैट थिंग इन माइंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक शख्स थे, जेनसून कॉस्टर, ठीक है, और उन्हें भी क्रेडिट्स मिले हैं इस इन्वेंशन के साथ, क्योंकि उन्होंने भी इसमें मज़ीद काम किया है। अच्छा जी, अब हमारे पास आती है कि जी सारा ये प्रिंटिंग प्रेस का काम कैसे चला। इस पे से भी छोटे छोटे एमसीक्यूज या शॉर्ट की फॉर्म में ही आपसे पूछा जा सकता है, एज सच लॉन्ग क्वेश्चन या आप कहें कोई इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ तो वो नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले प्रिंटिंग का आगाज़ हुआ है ब्लॉक प्रिंटिंग से, ठीक है। ओरिजिनल मेथड ऑफ प्रिंटिंग वाज ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग आपने बचपन में स्टैम्प्स यूज़ किए होंगे, या इवन अभी भी जब आप किसी चीज किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कराने जाते हैं, तो आपने देखा है कि लोग स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं। उनके वो रैंक के साथ एक स्टैम्प बना दी जाती है कि उन्हें दिन में अगर 100 उस पेपर साइन करने हैं, तो उन्हें बार बार साइन ना करना पड़े, जस्ट वो स्टैम्प यूज़ कर लें, ठीक है, जिसे काफ़ी अक्सर घपले भी हो जाते हैं, लेकिन वो स्टैम्प्स होती हैं। या आप बचपन में वो कार्टून की शक्ल के कभी डिफरेंट करेक्टर्स उस पर बने होते थे, और आप वो स्टैम्प्स यूज़ करते थे, ठीक है। तो वो एग्जांपल है ब्लॉक प्रिंटिंग की। और ये बात है, मानी जाती है कि ब्लॉक प्रिंटिंग का आगाज़ या ओरिजिन जो है वो चाइना से हुआ है, और सबसे पहली ब्लॉक प्रिंटिंग से लिखी जाने वाली किताब जो आज भी मौजूद है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपने भूलना नहीं है, वो डायमंड सूत्रा है। डायमंड सूत्रा क्या थी? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर, ठीक है, उनका जो दीन है बुद्धिज़्म जो है, उसके मुतलिक, उसके स्क्रिप्चर्स के मुतलिक ये किताब थी, और 868 AD में लिखी गई है। आपको ये पॉइंट कतन नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो प्रिंटिंग प्रेस के मुतालिक उससे अगला काम है, ठीक है, वो किया है बाईशिंग ने चाइना में इन 1041, ठीक है। उन्होंने इसमें काफ़ी कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में की तरफ जाने की इजाद की है, लेकिन उनको मेन इंसान नहीं माना जाता, उनके काम को आगे नहीं पढ़ा जाता। पढ़ा जाता है तो जॉन गुटनबर्ग के काम को पढ़ा जाता है, क्योंकि इतना मुल्कों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं था। वहाँ चाइना में इस पे काम हो रहा था, इधर जो है वो गुटनबर्ग इस पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो गुटनबर्ग की आपको कहानी बताते हैं, बड़े मज़े की है, कि वो एक सुनार थे। सुनार होने के साथ साथ पेशा वराना वो मतलब सुनार थे, और उसके अलावा उनके वालिद साहब और उनका जो अबाई आप कह सकते हैं बिजनेस था, वो ये था कि वो एक्सट्रैक्शन करके फ्रूट्स का जूस निकालते थे, और ग्रेप्स का वाइन्स बनाते थे, ऐसे ग्रेप्स को प्रेस करके और उसमें से जूस निकलता था। अच्छा, अब जो गोल्ड स्मिथ्स होते थे उस टाइम पर, अब तो जो सुनार बैठते हैं वो सिर्फ बैठने वाले होते हैं और कारीगर पीछे होते हैं, पर वो ऐसे गोल्ड स्मिथ थे जिनको आप जो शेप देनी होती है मेटल को, वो आती थी, उसमें बड़े वो अच्छे थे। अब जब उन्होंने ये दो कामों के बारे में सोचा, तो उन्हें लगा कि इस मुतलक काम करके ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी ही प्लेट्स तैयार की, जो कि ग्रेप्स की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होती थी, वैसी प्लेट्स तैयार की, उनके साथ एक हैंडल लगाया, ठीक है, ताकि वो उसको प्रेस किया जा सके। एक हैंडल लगा, और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो अल्फाबेट्स थे, जो लेटर्स थे उस टाइम पर उस मुल्क में जो भी यूज़ होते होंगे, ठीक है, लेट्स सपोज ABC, उनको उन्होंने मेटल से
आप क्या कह सकते हैं, लिखा, ठीक है, मेटल से वो शेप्स बनाई, ठीक है, और उन पर फिर इंक लगती थी और वो उस हैंडल के थ्रू प्रेस होते थे और प्रिंटिंग होती जाती थी। अब मज़े की बात यह है कि वो लेटर्स मूवेबल थे। लेटर्स मूवेबल ये थे कि ए बी सी डी ई लिखा है ना, अब आप ए से उसके बाद पी ले आए, उसके बाद पी ले आए, फिर एल ले आए, फिर ई ले आए, एप्पल बना ले, ठीक है। उन लेटर्स को आप मूव कर सकते थे, उन लेटर को आप एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इसके मुतल्लिक, इस मुतल्लिक काम करके उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो बेसिकली चीज़ थी उसको ईजाद किया। और फिर उन्होंने धड़ाधड़, जब उन्होंने महसूस किया कि ये तो बड़ा अच्छा काम चल पड़ा है, तो धड़ाधड़ ये काम होना शुरू हो गया, ठीक है। और प्रिंटिंग का काम बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। और इसी में जिस इंसान ने अपने काम को मज़ीद आगे बढ़ाया वो थे, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जेनजून कॉस्टर, ठीक है, उन्होंने ये काम किया था। अच्छा जी, आज उसके बाद क्या हो गया कि जी स्पीडली इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग पे आ जाते हैं। स्पीडली क्या हो गया जी, किताबें छपने लगीं, धड़ाधड़ किताबें छपने लग गईं। उससे बड़ी आसानी होने लगी, उससे टाइम बचने लगा, उससे गलतियों की गुंजाइश कम होने लगी, काफ़ी काफ़ी जो है ना वो काम आसान हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम एक नज़र इस पैराग्राफ पे डाल लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि बुक्स जो है वो पहले खुद लिखी जाती थी, उसके बाद बुक्स जो है वो प्रिंट होने लगी। हैंड कॉपीज ऑफ बाइबल्स पहले सेल होती थी, उसके बाद आपके पास जो है वो प्रिंट हुई हुई बाइबल्स सेल होने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि ये काम मैन्युअली होता था, ठीक है, फिर स्टिल इसमें मैन पावर ही यूज़ हो रही थी। लेकिन फिर भी गुटनबर्ग का ये काम इतना पसंद किया गया और ये इतना फाइनल शक्ल इख्तियार कर चुका था कि इसको इसी तरह काफ़ी लंबे अरसे तक यूज़ किया गया। उसके बाद इसमें थोड़ा जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक टच दिया गया है। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है मुस्लिम टेरिटरी में, वो एडोलिशिया में खोली थी इन स्पेन इन 1480s, ठीक है, इट्स नॉट द ईयर, बेसिकली इज 1480s उन्होंने बताया है बस। अच्छा, अफेक्ट ऑफ प्रिंटिंग, अफेक्ट ऑफ प्रिंटिंग वही बात दोबारा हम दोहराएंगे कि ये हो गई थी कि काम बहुत आसान हो गया था, ठीक है। अब किसी को किताब लिखनी थी तो उसमें उसको अरसे लग जाते थे, लेकिन अब ये हो गया कि किताबें जल्दी लिखी जाने लगीं, किताबों की कॉपीज जो है वो जल्दी आप कह सकते हैं कि काफ़ी सादा लोगों तक वो स्प्रेड होने लग गई, उन्हें पढ़ना आसान हो गया, उन्हें खरीदना आसान हो गया और ये एक बिजनेस बन गया, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये मैंने हाईलाइट किया है कि ऑथरशिप बिकम मोर मीनिंगफुल, कि जो लोग लिखते थे पहले उनको वो अहमियत हासिल नहीं थी क्योंकि उनकी रीच नहीं थी, अब उनकी रीच होने लग गई, ठीक है। अब आप ये सोचें कि कोई एक नॉवल आता है और वो सिर्फ दो कॉपीज आती हैं, क्या उसकी रीच होगी? कैसे वो दो लोग जिन्होंने उसे खरीद लिया फौरन और पढ़ लिया, उसके अलावा कोई उसे पढ़ पाएगा? हाँ, अगर वो अपने किसी रिश्तेदार, किसी मामे चाचे को दे दे तो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन क्या उसकी कोई रीच होगी? नहीं होगी। जब तक उसकी ढेर सारी कॉपीज नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा लोगों तक वो नहीं पहुंचती, इससे क्या हो गया जी, पढ़ने का शौक पैदा हुआ, लिटरेसी बढ़ने लगी, रेवोल्यूशन हो गया, एजुकेशन की तरफ ध्यान बढ़ गया, ठीक है। ये मैं पॉइंट्स आपको बताती जा रही हूँ कि आप इन्हें माइंड में रखें कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए। अच्छा, सेकेंडली, इसमें सिर्फ जो जॉन गुटनबर्ग का काम है और उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा बायशिंग और एक या दो पॉइंट्स और हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हाईलाइटेड हैं। इसके अलावा एज सच मैसकॉम के इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब मुंह फाड़ के नहीं कह सकते कि कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं आएगा। कल को आप मुझे कह रहे हो कि आपने तो बोला था इसमें से कुछ नहीं आना, इसमें से आ गया, पर मतलब अगर आप पास पेपर्स या उस हवाले से देखें तो इसमें से अब कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं, काफ़ी गौर से पढ़ रहे हैं, कोई पॉइंट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वही बात जो मैंने पहले बताई है आपको कि
नॉलेज जो है वो हर आदमी के हाथ में थी, उसके करीब थी, उसका एक्सेस आसान था, उसे पढ़ना आसान था। ठीक है, जब स्टार्टिंग में बिल्कुल नए नए क्लासेस स्टार्ट होती हैं और टीचर जो है वो कोर्स की बुक सिर्फ दो लोगों ने खरीदी होती है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जब तक वो हर किसी के पास ना हो। तो बस ये प्रॉब्लम्स थे। उसके बाद जो है वो यही था कि फिर फॉन्ट्स पे, फिर लिखने पे, फिर लिखने की खूबसूरती पे, मतलब वो जो टाइपिंग में थी उसके डिफरेंट मॉड्यूल मोल्ड्स मोल्ड्स सॉरी मॉड्यूल्स नहीं मोल्ड्स ट्राई कर किए गए कि जी इस तरह लिखा जाए तो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, इस तरह का पेज यूज़ हो तो ज़रा ज़्यादा अफेक्टिव प्रिंटिंग होगी। इस तरह करते करते काम बढ़ता गया, चलता गया, और उसके बाद जो है वो जो वो प्रेस थी उसको ज़रा क्या नाम है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ले आए, ज़रा इंक बेहतर हो गई, और इस तरह चीज़ें काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। ये जो है जी हो गया हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म। हमने क्या पढ़ा? हमने लेटर और लीफलेट्स को पढ़ा, ठीक है, कि पहले कैसे लेटर लीफलेट्स के थ्रू मैस कॉम होता था, फिर बुक्स कैसे छपती थी, किस तरह मेहनत लगती थी, वक्त लगता था, गलती की गुंजाइश थी, काम बोरिंग था, एक्सेस कम था, वो चीज़ें। फिर हमने पढ़ा कि जी ब्लॉक प्रिंटिंग से ओरिजिन हुआ है, ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना में बेसिकली इंट्रोड्यूस की गई थी और पहली किताब लिखी गई थी डायमंड सूत्रा ऑन बुद्धिज्म स्क्रिप्चर। ठीक है, डेट्स नहीं मैं रिपीट करी क्योंकि वो मुझे भी याद नहीं रहती हैं, आपस की बात है तो आपने डेट्स पे ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं गोल्डस्मिथ जॉन गुटनबर्ग और उसके काम को आगे बढ़ाने वाले जेनसून कॉस्टा। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि जो जॉन गुटनबर्ग थे वो सुनार थे, उसके अलावा उन्होंने अपने इर्द गिर्द वो एक्सट्रैक्शन का काम होते देखा, दोनों की नॉलेज को उठाया, मिलाया और प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। ठीक है, और एक बात नहीं आपने भूलनी कि वो जो प्लेट्स थी वो मेटल थे, जो के मोल्ड्स थे अल्फाबेट्स के वो मूवेबल थे। ठीक है, अब आप अपने माइंड में इमेज ले आएँ, गूगल पे सर्च करें कि वो कैसे मोल्ड्स थे और कैसे काम होता था इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और अगर सिर्फ आपको लेक्चर से ताल्लुक है तो आप इतना ही समझ लीजिए। और इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग क्या हुआ जी? पढ़ना आसान हो गया, कॉपीज छपने लगी, लिटरेसी बढ़ी, इंटरेस्ट बढ़ा, लिखने वाले बढ़े, मतलब जी सारा कुछ एजुकेशन की तरफ ध्यान चला गया इसकी वजह से। इफेक्ट्स ऑफ प्रिंटिंग या इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग बोथ आर द सेम थिंग और इनमें मिली जुली ही बातें हैं, तो कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बड़ी हौसला अफजाई होती है। उसके अलावा आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि जो है वो हम नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें अपने मैस कॉम के थ्रू, क्योंकि ये भी एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं मैसेज से कम्युनिकेट करती हूँ। तो आई होप कि मैं जल्दी अपना थर्ड लेक्चर अपलोड कर पाऊँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।